तो और मेरे भाई लोग, क्या हाल चाल है यार। तो फाइनली बीजू भाई में कुछ तो नया हुआ, नया नहीं असल में पुराना ही हुआ है, लेकिन चलो कुछ तो चेंज हुआ। तो फाइनली हमको आरपी देखने को मिल चुका है बीजू भाई के अंदर, और इसका हम लोग इंतजार ना जाने कब से कर रहे थे, लेकिन चलो देर से ही सही, लेकिन हमको आरपी तो देखने को मिला। अब ये आरपी कैसा है, डिसअपॉइंटिंग है, अच्छा है या फिर मीडियम मीडियम सा है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। कुल मिला के बहुत ही जल्दी आपको आरपी का रिव्यू करके दे दूंगा, और ये आरपी आपको खरीदनी है या नहीं खरीदनी वो बता दूंगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात, मैं करने वाला हूँ आरपी का गिव अवे। 10 विनर होने वाले हैं, 10 या 8, रैंडमली मैं कुछ पिक कर लूंगा, 8 तो होंगे ही होंगे, इतने विनर्स होंगे जो मैं इस वीडियो से पिक करने वाला हूँ। तो अगर आपको आरपी जीतना है तो आपको कुछ करने होंगे, सिंपल स्टेप, बहुत ही सिंपल स्टेप है, बहुत ही ज़्यादा, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। और वो सिंपल स्टेप करते ही आप जो हो इस गिव अवे में पार्टिसिपेट कर लोगे, और अगर आप जीतते हो तो आपको मिलेगा M21 का ब्रांड न्यू आरपी सीधा आपके अकाउंट में। तो भैया गिव अवे में पार्टिसिपेट जरूर करना, 8 लगी विनर्स तो होंगे ही होंगे, गारंटीड है, क्या पता मैं 10 भी कर दूँ। अब मैं आरपी पूरी तरीके से मैक्स करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि भैया जो 50 आरपी पे कपड़ा है वो बहुत ही चुम्मा है, लेकिन देखते हैं वो हो पाता है कि नहीं। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले तो हमको आरपी खरीदना पड़ेगा, तो चलो सबसे पहले देखते हैं आरपी में आया क्या है बे। तो ये रहा हमारे इस सीजन आरपी यानी M21 का एक छोटा सा प्रेजेंटेशन, क्योंकि ये ट्रेलर तो है नहीं, क्योंकि ये सिर्फ इमेज है, स्टिल इमेजेस है। तो जो भी है, यहाँ पर दिखने में तो लग रहा है कि स्किन्स भी अच्छी हैं और ड्रेस भी अच्छा होने वाला है, लेकिन जब आरपी पूरी तरीके से देखेंगे ना तब पता चलेगा वैल्यू है कि नहीं। तो अगर हम टीयर वन पे देखें तो हमको एक बहुत ही एवरेज कपड़ा मिल रहा है, बहुत ही एवरेज, ये तो हम बीपी वगैरह से खरीद सकते हैं, और साथ में एक पिस्टल की स्किन मिल रही है। भाई जिंदगी में पहली बार आरपी में पिस्टल की स्किन देख रहा हूँ, हद है यार। तुम लोग मेरे को बताने से पहले पिस्टल की स्किन कभी आई थी कि नहीं आरपी में। वेल, अगर हम थोड़ा सा आगे जाएं तो एक बहुत ही ठीक ठाक तुमको स्टन का स्किन मिलेगा, और प्लेन का स्किन तो महाडट्टी है। थोड़ा और आगे आए तो फ्री आरपी में एक काफ़ी अच्छा इमोट मिल रहा है, बॉडी बिल्डर चैंप, मेरे को अच्छा लगा। मतलब फ्री आरपी में ये इमोट है तो मेरे को अच्छा लगा, अगर ये पेड आरपी में भी होता तो भी एक अच्छा इमोट है, ये ट्रोल करने के काफ़ी काम आएगा पूरे स्क्वाड वाइप करने के बाद। थोड़ा सा अगर और हम देखें तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सा चुम्मा सा हमको एक Level 3 का हेलमेट की स्किन मिल रही है। ऐसे ही एक और हेलमेट का स्किन आ चुका है जब वाटर थीम वाला आया था रॉयल पास, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मेरे को, थोड़ा सा फायर इफेक्ट भी हल्का सा लग रहा है। थोड़ा और आगे जाए तो फ्री आरपी वालों को हमको ये एक डिसेंट सा कपड़ा देखने को मिलता है, जिसका एक बहुत ही एवरेज मास्क है। फ्री आरपी है तो मेरी कोई शिकायत नहीं रहेगी, लेकिन हाँ काफ़ी डिसेंट है। फिर थोड़ा और आगे आए तो हमको एक और इमोट मिलता है, जहाँ तक देखने में लग रहा है ये हमारे 50 आरपी कपड़े यानी कि मिथिक सेट का एक इमोट होने वाला है। उसी के साथ साथ हमको एक बहुत ही एवरेज फिर से प्लेन स्किन मिलेगी, क्यों ही दी गई है दो दो टट्टी सी प्लेन स्किन मुझे नहीं पता। थोड़ा और आगे आए तो P90 गेम को यहाँ पर एक बहुत ही बिलो एवरेज स्किन देखने को मिल रही है। अभी तक सच बता रहा हूँ आरपी जो है ना बहुत बिलो एवरेज है। फिर एक QBZ की डिसेंट सी स्किन है, मेरे को 3D स्किन पसंद होती हैं, लेकिन ये उतनी मेरे को अच्छी नहीं लग रही, खास करके से पीछे का हिस्सा बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा है, आगे एक भोपू लगा हुआ है, और वैसे भी QBZ सिर्फ सैनॉक पे है तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ गन में पास। अब थोड़ा और अगर हम आगे आए तो आगे कुछ नहीं है, फिर सीधा 50 आरपी का हमको एक लेजेंडरी मिथिक, आपको जो कहना हो, बहुत ही बढ़िया आपको ये सूट देखने को मिलेगा। इसका हाथ जो रेडेड है, किसी एक सूट में इस तरह का कपड़ा आया था जिसमें उसका हाथ जो था वो ऐसा रेडेड था एक वाला, तो मेरे को वो सूट का याद आ रहा है, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, तुम लोग मेरे कमेंट सेक्शन में बताना कि वो कौन सा सूट है। लेकिन इसके बाल भी सफ़ेद हैं, काफ़ी अच्छा है दिखने में, इसने जॉन सीना की तरह एक वेपरी भी पहन रखी है, या फिर लॉन्ग शॉर्ट बोलूँ, जो भी है बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे ओवरऑल ये कैरेक्टर। इसका इमोट भी काफ़ी कूल है, इसके ऊपर सूट कर रहा है वाइट और रेड की, ब्लैक की थीम बहुत अच्छी लग रही देखने में। तो मेरे हिसाब से इस कपड़े के लिए आरपी खरीदना वसूल है, टू बी ऑनेस्ट। अगर ये कपड़ा नहीं होता तो मैं इस आरपी खरीदने को आपको क्लियर कट मना कर देता, बट ये कपड़ा अकेले वर्थ रखता है पूरे आरपी के। बाकी क्रेट्स में कुछ है नहीं, लेकिन रॉयल एडवेंचर में देखें तो एक बहुत ही डिसेंट सा कपड़ा, लेकिन एक अच्छी कार 98 की स्किन आपको देखने को मिल रही है। अगर आपके पास एक अच्छी कार 98 की स्किन नहीं हो और आपको चाहिए, आप स्नाइपर हो तो आप इसको सोच सकते हो, लेकिन 550 कभी हो ही नहीं पाते यार अपने पास क्रेट्स, तो देख लो अगर आपको मिल सके तो ले सकते हो। तो चलो अब सीधा आरपी को फटाफट से परचेज करते हैं और मैक्स करने की कोशिश करते हैं। मैं बड़ा ही वाला आरपी लूंगा, 960 वाला, बिकॉज तुमको पता है अपने को थोड़ा सा एक्स्ट्रा माल चाहिए होता है, और इसमें एक्स्ट्रा माल मिल जाता है, और साथ में मेरे को 12 टीयर का बूस्ट मिल जाएगा, जो कि मेरे को डेफिनेटली चाहिए होगा, क्योंकि 10 टीयर आई थिंक 1000 UC के आते हैं अगर आप इवेंट के थ्रू जाओ, यहाँ पर आपका 900 के अंदर काम हो रहा है तो फायदा है। तो यहाँ पर मैंने आरपी ले लिया, तो फाइनली अब अपन जो है प्रीमियम मेंबर हो गए हैं BGMI में, सीधा Level 13, लेकिन अपन को जाना है 50 तक, तो इसके लिए हमको जाके खरीदनी पड़ेगी यार आरपी।
तो हम सीधा आ गए इवेंट में। यहाँ से सही रहता है खरीदना क्योंकि यूसी भी वापस मिल जाती है। तो सबसे पहले 1000 गम खरीदेंगे, 1000 से आई थिंक कि कितने 10 बढ़ते हैं ना, तो 10 यहाँ से बढ़ जाएंगे, 10 और ले लूँगा 20 बढ़ जाएंगे, बट आई थिंक यूसी गम पड़ जाएगी यार, चलो देखते हैं। ओके, तो सीधा हमारा 10 लेवल यहाँ पर अप हो चुका है, 1000 यूसी फूक चुके हैं जो वापस मिलेंगे नहीं मिलेंगे पता नहीं है। यहाँ पर एक बार और हम खरीदने की कोशिश करेंगे क्योंकि अपने पास अभी यूसी बच रहा है 3000 आई थिंक कुछ यूसी था, 1000 का तो रॉयल पास आ गया ऑलमोस्ट, और 2000 के मैंने ये ले लिए, तो लेवल 33 हो चुके हैं फाइनल। अब देख लेता हूँ इन्वेंट्री, अगर मेरे पास वो कार्ड पड़ा हो आरपी का तो उससे थोड़ा बूस्ट हो जाएगा, नहीं तो यार मैक्स आउट कैसे होंगे अपन। चलो कोई बात नहीं है, शायद थोड़ा यूसी एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा, लेकिन मैं आज डालूंगा नहीं डालूंगा मुझे पता नहीं है। तो कार्ड होना इन्वेंटरी में, अरे यार कार्ड है लेकिन सिर्फ 50 आरपी का, भाई 50 में क्या होना है, कुछ नहीं होना भाई, वोट के मुंह में जीरा, लेकिन चलो यूज कर लेते हैं उसको, कोई बात नहीं है। तो आई थिंक हमारी जो ट्रेन है वो लेवल 33 पे रुक जाएगी, बाकी का आरपी मैं फुल मैक्स कर लूँ यूसी डाल के, आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन बताओ, या फिर यहीं छोड़ दूँ और ग्राइंड करके बाकी का जो है मटेरियल माल सामान अनलॉक कर लूँ, आप लोग मेरे को जरूर बताना। और ये भी बताना है कि आप लोग इस आरपी खरीदने वाले हो या फिर नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ जब तक ये सामान कलेक्ट कर रहा हूँ कि आपको आरपी गिवअवे में पार्टिसिपेट कैसे करना है। तो चलो मैं सबसे पहले आपको स्टेप बता देता हूँ। सबसे पहले जो बेसिक होते हैं जो मैं फिल्टर लगाऊंगा वो है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करना मस्ट है चैनल को, नहीं तो आप फिल्टर में वैसे भी आपको कमेंट आएगा नहीं। वीडियो को लाइक कर लेना है और शेयर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना है, बिकॉज आरपी कोड वहीं दूंगा ना मैं आपको, जो कूपन होगा मतलब जिसको आप रिडीम करके आरपी लोगे तो वो कहीं ना कहीं तो मुझे आपको देना पड़ेगा, कमेंट में दे नहीं सकता हूँ वरना सबको पता लग जाएगा, तो इंस्टाग्राम पे मैं आपको दूंगा, तो वहां पर आप मुझे फॉलो कर लेना क्योंकि मैसेज आपको हम उधर ही करेंगे। तो ध्यान रखना चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, ये मस्ट है। अब उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इस वीडियो कमेंट सेक्शन में आके इस वीडियो के बारे में दो अच्छी बातें लिखनी है, मेरे बारे में भी चाहो तो लिख सकते हो, और अपने इंस्टाग्राम आईडी वहां पर मेंशन कर देनी है, ठीक है। बस इतना करके आपको कमेंट कर देना है, आपका काम खत्म हो जाएगा। फिर मैं गिव अवे के विनर्स अनाउंस करूंगा कल की वीडियो में, तो कल की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपके कमेंट जो वहां पर मैं सेलेक्ट करूंगा उन पे जो इंस्टाग्राम आईडी दी रहेगी उसके थ्रू मैं आपके इंस्टाग्राम पे जाके आपको मैसेज करूंगा और वहीं पर आपको आपका गिफ्ट कार्ड कूपन कोड या फिर आरपी आपको वहीं पर ही दे दूंगा। तो प्लीज अपना इंस्टाग्राम आईडी या फिर हैंडल एकदम करेक्ट करेक्ट मेंशन करना कमेंट सेक्शन में, भूलना मत, वही कमेंट पिक होंगे जिसमें इंस्टाग्राम का रहेगा हिसाब किताब। तो चलो भैया आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आपको गिव में पार्टिसिपेट कैसे करना है। विनर जो है वो 8 तो रहेंगी गारंटीड है, मैं कोशिश करूंगा उसको बढ़ा के 10 कर दूं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आरपी मिल जाए और आप एंजॉय कर पाओ, ठीक है। तो चलो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, मे भी हो सकता है गेम प्ले की वीडियो है, और बहुत ही जल्दी जब नया सीजन शुरू होगा तो हो सकता है बीजीएमआई में एक बड़ा नया मोड आपको देखने को मिल सकता है, तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि न्यूज़ सबसे पहले तुम्हारा भाई तुमको देगा। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।